पूरी ग्राम पंचायत के प्रधान हो, आपका दायित्व है कि सबकी मदद करो, सबका सम्मान करो। अमृत सरोवर निर्माण की आधारशिला रखने ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत ढोलाई कला पहुंचे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पूर्व की सरकारों पर हमला बोला। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार में संचालित योजनाओं की पारदर्शिता का बखान करते हुए कहा कि अब उनकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ग्राम प्रधानों को सर्व समाज व सर्वजन का प्रतिनिधि बताते हुए राज्य मंत्री ने क्या कहा, आप भी सुने। प्रधान गांव के अंदर ग्राम पंचायत में 1500-2000 रोड थे, अगर आप 600-700 रोड पा के चुनाव जीत गए हो तो 1200-1300 आदमी भी आप ही के गांव के हैं, वो आप ही के वोटर हैं, वो भले वोट नहीं दिया लेकिन उनको अपना बनाओ। आप 600-700 लोगों के प्रधान नहीं हैं, आप पूरी ग्राम पंचायत के प्रधान हो, आपका दायित्व है कि सबकी मदद करो, सबका सम्मान करो। जो भी सरकार की योजना है उसमें कोई काट पेट न करो, वो सामान्य रूप से जिनको जा रहे उनको जाने दो, वो भी तो आप ही लोगों के हैं, मत अपना अलग अलग हो जाता है, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो सरकार दे रही है वो उसके सबका हक है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी की जाति का हो। दादा आपका कुछ मिला ना, मिला दादा मिला है ना, तो काहे के लिए बुलाया गया था कोई बताएगा? इसलिए बुलाया गया था कि आपके साथ कोई दलाली ना कर सके, आपको जो पैसा सरकार ने छोड़ा है उसमें कोई लूट घसोट ना कर सके, भ्रष्टाचार ना हो सके, इसलिए सरकार ने छोटे छोटे आयोजन करके आप लोगों को ऋण माफ करने का कार्य किया था। पूर्व की सरकारों में जैसा जानते हैं आप लोग हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था, किसानों का ऋण तो माफ किया लेकिन वो कितना माफ होता था आपको पता ही नहीं होता था कि कितना माफ है, हमारा नाम है या ना है। आप लोग यही नहीं जान पाते थे हमारा नाम वो लिस्ट में है या नहीं है, जान पाते थे? क्योंकि लिस्ट कभी छिपकते नहीं रहे बैंक में, ब्लॉक पर कभी चिपकाई नहीं जाती थी, अगर चिपकाई गए तो तुरंत नोट करी जाता रहता कि जान ना पाओ। इसलिए जो लोग दलाल बैठते थे ब्लॉकों में, तहसीलों में, बैंकों में, हमने हमारी सरकार जब से आई सबको खत्म कर दिया है। सारी योजनाएं सीधे आपके खाते में आती है, नहीं आती है? अच्छा क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि आपके गांव में इंटीरियर में जहां बिजली पहुंच गई बिजली पहुंच सकता रहेगा? और इतनी बिजली जितनी आ रही थी वो बिजली आज तक आई ना, ऐसा हाल में होता है गाँव तो छोड़ दो, और शहरों में सिर्फ आती 3-4 शहर जो थे उन्हीं में बिजली आया करती थी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तो सबको पक्के मकान भी मिले हैं। इससे पहले से पक्के मकान मिल रहा है लेकिन बंद करते रहा, ये बताओ उनका कोई बंद रहा मकान? वही किसी का मकान नहीं बनता था, सारा पैसा सारा सरकारी धन जो आप लोगों के लिए आता था, आपके परिवार के लिए आता था, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आता था, आपके बच्चों को जीवन अच्छा करने के लिए आता था, वो सारा धन बिचौलिए मिलके खा जाते थे। आपके हाथ में 2-4 हजार 5 हजार रुपए आते थे लेकिन आप चाहकर भी बोल नहीं पाते थे कि चलो रहा मिल गए ठीक है जाए दो, हमारे तो रहा ना है, लेकिन वो पैसा आपका ही था, वो पैसा हम लोगों का था जो आप लोगों को मिला, आपका पैसा था जो आपको मिला मकान बनाने के लिए। अगर आपको राशन मिल रहा है तो आपका ही पैसा तो है लगा जिससे आपको राशन मिल रहा है, लेकिन उसका वो लोग दुरुपयोग करते थे। आज राशन की कोई शिकायतें नहीं आती हैं, कमावत राशन की शिकायत, राशन नहीं मिल रहा, साल में 6 बार मिलते रहा है। इससे पूर्व कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने अमृत सरोवर निर्माण के लिए वैदिक मंत्रों के साथ पूजन अर्चन किया। यहां अमृत सरोवर का निर्माण मनरेगा के तहत कराया जाना है। कार्यक्रम में किन्हीं कारणों से धौरहरा सांसद रेखा वर्मा नहीं पहुंची। इस मौके पर वीडियो हरगांव अवध प्रताप से प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, प्रधान अरमी अनुपम सिंह, प्रधान पचहटा अंकित सिंह, प्रधान बक्सोया धीरू सिंह, प्रधान नौनेरा बच्चा मिश्रा, रुपेश सिंह, प्रवेश सिंह छोटू सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे।